Well, let's begin the class. So today we're going to start with school, yeah, gender, how gender is discriminated, how gender is affected, how gender role is described in school, or how gender role is being played out in the school. है ना? तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से लिंग का के 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 लिंग के ऊपर भेदभाव किया जाता है स्कूल के अंदर, और जिसकी वजह से सोसाइटी में जो है आगे जाकर, क्योंकि स्कूल के जो बच्चे ही होते हैं वही जो है सोसाइटी को आगे बनाते हैं, बढ़ाते हैं, बताते हैं, तो आगे जाकर के सोसाइटी को वो किस तरह से इफेक्ट करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे. लेकिन आज का पर्टिकुलर वीडियो जो हमारा होगा, आज का जो हम वीडियो बात करेंगे, वो वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट स्कूल एज अ एजेंसी, स्कूल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कम्युनिटी, है ना. आज उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक हमको इस कनेक्शन द स्कूल और उसके बीच का कनेक्शनिज्म के बारे में ही नहीं समझ में आएगा, तो आगे हम क्या समझेंगे कि स्कूल में क्या जेंडर रोल होता है, क्या नहीं होता. वैसे जनरल सी बातें हैं, है ना, जनरल सी बातें हैं, लेकिन जल्दी से हम लोग जो है शुरू करते हैं. तो जल्दी से, आर यू रेडी एवरीवन? यस सर. हाँ, तो सिर्फ तीन आवाज आई, बाकी लोग अनम्यूट कीजिए, अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए. यस सर, सुन रहे हैं? यस सर. हाँ यस सर, सब बहुत डिस्टरबेंस है, सबका आवाज आ रहा है. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं. ये अश्विया, एनीवेज, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत बड़े फिलोसफर की, जिनका नाम है जॉन डीवी. कभी नाम सुना है जॉन डीवी का? अगर जॉन डीवी के बारे में डिटेल जानना है तो मेरे ही यूट्यूब का जो चैनल है उसमें आप लोग जा करके नीचे प्रैग्मेटिज्म के बारे में लेक्चर पढ़िएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है. तो उसमें आपको जॉन डीवी और प्रैग्मेटिज्म के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा, और रोल ऑफ स्कूल के बारे में बहुत अच्छा उसके अंदर जानकारी दी गई है. तो कोशिश कीजिएगा अगर टाइम मिले तो. तो जॉन डीवी ने कुछ कहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा. लाइफ गिव्स अस, देखिए क्या बोल रहे हैं, लाइफ गिव्स अस एजुकेशन इन वन फॉर्म और द अदर. टू से, अगर हम ये कहें कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं या जो कॉलेज जाते हैं वही एजुकेटेड है, तो ये अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी बिल्कुल गलत बात है. अगर कोई नहीं भी लिखा हुआ है, नहीं भी पढ़ा हुआ है, देन एंड ऑल्सो ही इज एजुकेटेड. ठीक है, देन एंड ऑल्सो ही इज एजुकेटेड. एक मिनट. एंड इफ ही इज एजुकेटेड, देन व्हाट इज दैट सिंबल व्हिच कंफर्म्स अस दैट ही इज एजुकेटेड. अगर वो एजुकेटेड है तो क्या ऐसी चीज है जो बताती कि एजुकेटेड है? क्या लिखना पढ़ना एजुकेशन का सिंबल है? कम ऑन, बताइए, क्या लिखना पढ़ना एजुकेशन का सिंबल है? अच्छा गजाला, हाँ लिटरेचर का तो सिंबल है, लैंग्वेज का सिंबल है, लेकिन एजुकेशन का सिंबल है लिटरेट का सिंबल है, लिटरेट होने का सिंबल है. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी और लिटरेट होना और एजुकेट होना. नाउ सिंबल है, एक्चुअली है ना, सिंबल है. आज के अगर मॉडर्न एरा की अगर हम बात करें तो यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल. व्हाई आई एम सेइंग दैट, कि इट ये बताता है दूसरों को कि ये बंदा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है. ठीक है, लेकिन रियल सेंस में एजुकेशन का मतलब अभी आज हम आपको बताने जा रहे हैं. एजुकेटेड डज नॉट मीन, देखो सिंबलाइज करना अलग होता है और मतलब अलग होता है. एजुकेशन डज नॉट मीन दैट द पर्सन नोज हाउ टू रीड एंड राइट, द पर्सन नोज हाउ टू वर्क, द पर्सन नोज कि वो कैसे लिखे, कैसे पढ़े, कैसे काम करे. एजुकेशन का मतलब ये नहीं है. एजुकेशन कैन बी पॉजिटिव, एजुकेशन कैन बी नेगेटिव, बट education is something which brings change in our own behavior. It can be positive and as well it can be negative. ye positive bhi ho sakta hai, negative bhi ho sakta hai. Now positive hone ka matlab ye hota hai ki wo samaj, society, hamare community, hamare institutions ko kahin na kahin help kar raha hai, kahin na kahin contribute kar raha hai. और नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि वो हमारे समाज, हमारी सोसाइटी और हमारे
कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं हमारे उन चीजों को हर्ट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कि एक लोहार है जिसको मार्तोल बनाना आता है, तो उसने मार्तोल बनाया और मार्तोल से जो है किसी का सर फोड़ दिया. मार्तोल बनाना वाज एजुकेशन, ठीक है, लेकिन मार्तोल को उसने अगर इस पर्पस से बनाया है कि उसको सर फोड़ना है किसी का, तो क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव चेंज ला रहा है? ऑफ कोर्स नेगेटिव है. वो हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे समाज, हमारे कम्युनिटी को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहा है. तो वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट एजुकेशन इज एजुकेशन ब्रिंग्स चेंज. इट कैन बी पॉजिटिव एंड ऑल्सो इट कैन बी नेगेटिव. दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. नाउ अब अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, लाइफ गिव्स अस एजुकेशन इन वन फॉर्म और द अदर. इधर से या उधर से कहीं ना कहीं से आपको एजुकेशन मिल रही है. द ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू बी कॉन्शियस. आपको सिर्फ कॉन्शियस रहना है, सतर्क रहना है, सो दैट यू कैन अचीव, ताकि आप जो है अचीव कर सकें, ताकि आप जो है एजुकेशन पा सकें, ताकि एजुकेशन जो आपके तरफ दी जिंदगी बढ़ा रही है उसको आप दोनों हाथों से समेट सकें. राइट. और अगर आप सतर्क हैं तो आप मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, फिजिकली डेवलप करेंगे. ठीक है, मेंटली, सोशली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर तरह से आप डेवलप करें अगर आप सतर्क हैं. ठीक है. Now, another aspect, दूसरा aspect, if the modification in the behavior, यानी अगर आपके विचार में, अगर आपके आपके अंदर जो बदलाव आया है वो desirable है, यानी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, तो that is positive, positive side of education. और अगर वो undesirable है तो that is the negative side of education. Now, the sources from which the child gets education, the sources from which the child gets education, the sources from which the child gets education is called as agencies of education. क्या कहते हैं तलत परवीन? क्या कहते हैं sources? वो स्रोत जहां से बच्चे ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? एजेंसीज ऑफ एजुकेशन. एजेंसीज ऑफ एजुकेशन बहुत तरह के एजेंसीज हैं. फैमिली है, सोसाइटी है, स्कूल है, प्लेग्राउंड है, रिलीजन का में अगर देखा जाए तो टेंपल है, मॉस्क है, मदरसा है, इवन रिलीजन भी एक एजेंसी ऑफ एजुकेशन है इन टोटल. लेकिन हम लोग को तो बात करना है आज स्कूल के बारे में, इन सारी एजेंसीज के बारे में नहीं बात करना. हम लोग को सिर्फ बात करना है स्कूल के बारे में. नाउ रोल ऑफ एजुकेशन फॉर अ चाइल्ड स्पेशली स्कूल इज वेरी लिमिटेड. बड़ी लिमिटेड है रोल जो है ना, 1/4 कह सकते हैं, यानी कि एक चौथाई हिस्सा जो है बच्चे की एजुकेशन, यानी बच्चे के व्यवहार में जो पॉजिटिव परिवर्तन आता है ज्ञान या एजुकेशन की वजह से, उसको कंट्रीब्यूट कौन करता है? स्कूल करता है, या एजुकेशनल एजेंसी करती है. एजुकेशन एजेंसी, एजुकेशनल एजेंसीज करती है 1/4, यानी 25%. बाकी का 75% आप या तो समाज से लेते हो, या फैमिली से लेते हो, या रिलीजन से लेते हो, या सोसाइटी से लेते हो, इन सब जगह से लेते हो. सिर्फ 25% आपको मिलता है. आप 25% की हालत में बताता हूँ, इंडिया के अंदर 70 मिलियन बच्चे हैं. कितने हैं? 70 मिलियन स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे हैं. बड़ा अजीब सा डेटा है लेकिन बहुत सच्चाई वाला डेटा है. सोचिए 25% आपको सिर्फ स्कूल से मिल रहा है
और उस 25% में कंडीशन क्या है जरा देखने वाली है कि 70 मिलियन बच्चे हैं, यानी कि 7 करोड़ बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, 130 करोड़ आबादी के 7 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इस 7 करोड़ में को पढ़ाने वाले सिर्फ 2 मिलियन टीचर हैं, सिर्फ 2 मिलियन, नॉट इवन 20 मिलियन। 2 मिलियन का मतलब होता है 20 लाख टीचर जो है 70 करोड़ बच्चे को पढ़ा, सॉरी 7 करोड़ बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या हाल होता होगा। यहाँ पर जो रेशियो होना चाहिए, अगर हम बात करें एनसीटीई की, और हम अगर बात करें, आप लोग जैसे पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिवर्सिटी पॉलिसी, एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, तो उसमें दिया है 30:1 दिया है, और यहाँ पर कितना है 1:30। हाँ 30:1 है, 1:30 है। यहाँ पर क्या दिया है 70 करोड़ इस टू 20 लाख। अगर इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए कि एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाता है, तो अगर 20 लाख को हम 70 करोड़ से अगर हम डिवाइड करें तो पता नहीं कितना आएगा। अगर 1 करोड़ भी होता तो एक टीचर मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। 2 मिलियन टीचर्स जो है 7 करोड़ बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं, तो बात यहां पर नहीं आती है। बात ये आती है कि सिर्फ 25% एजुकेशन जो है हम स्कूल से प्राप्त कर रहे हैं एजुकेशनल, और इसमें मैं बता दूं कॉलेजेस भी शामिल हैं, कि सिर्फ 25% ज्ञान हमको स्कूल से मिलता है, और वहां पर ज्ञान की हालत कुछ ऐसी है जैसा मैंने आपके सामने रखा। एजुकेशन एजेंसीज का काम क्या है? एजुकेशनल एजेंसी क्या है? सबसे पहले तो स्कूल ही है। स्कूल का काम क्या है? प्रिजर्वेशन, सबसे पहले कि नॉलेज को प्रिजर्व करना है, नॉलेज को ट्रांसमिट करना है, एंड नॉलेज को एडवांस करना है, यानी एजुकेशन को प्रिजर्व करना है, ट्रांसमिट करना है, एडवांस करना है। 3 काम होता है हर स्कूल का और हर शिक्षण प्रणाली का, 3 ही काम होता है कि उसको बचाना, उसको बांटना, दूसरों तक पहुंचाना, और उसमें उसमें डेवलपमेंट यानी उसमें विकास लेकर के आना, उसके अंदर विकास करना। ये 3 ही तो काम होता है, इसके अलावा और कोई काम होता ही नहीं है, राइट? लेकिन इन 3 काम में से कितने काम हम कर पा रहे हैं ये तो हमें पता नहीं, हिंदुस्तान की हालत तो आप लोग जानते ही। खैर ना, नाउ अगर हम बात करें स्कूल एज एजेंसीज, अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, स्कूल एज एजेंसी, अगर स्कूल को हम देखें एजेंसी की तरह, स्कूल को अगर हम देखें एजेंसी की तरह, तो स्कूल करता क्या है? स्कूल को कहा गया है कि स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी स्कूल जो है हमारे समाज का एक एक नमूना है, ठीक है? और टेक्निकली अगर हम बात करें तो स्कूल जो है एक फॉर्मल एजेंसी है, ठीक है? स्कूल एक फॉर्मल एजेंसी है ना। यहां पर टीचर्स होते हैं और वो लोग प्लान, व्हाई इट इज अ फॉर्मल एजेंसी, बिकॉज इट वर्क्स, पानी पी लो, व्हाई इट इज अ फॉर्मल एजेंसी, बिकॉज इट वर्क्स थ्रू प्लानिंग, इट वर्क्स थ्रू स्ट्रिक्ट प्लानिंग रेगुलेशंस, है ना? घर में कोई प्लानिंग नहीं है, घर में कोई रूल्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है घर में, लेकिन स्कूल में जो है, स्कूल में ऐसा नहीं है, स्कूल में प्लानिंग है, स्कूल में कह सकते हैं स्कूल में रेगुलेशन है। आप लोगों का वीडियो नहीं आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, ठीक है। स्कूल, स्कूल और घर में क्या फर्क है कि स्कूल में एक लॉ, रूल ऑफ लॉ चलता है, घर में रूल ऑफ लॉ नहीं चलता है।
स्कूल में एक प्लानिंग चलती है, घर में एक प्लानिंग नहीं चलती है। स्कूल में हर एक वो चीज चलती है जो घर में नहीं होती है, यानी एवरीथिंग इज जुडिशियस ओवर देयर थ्रू द रूल ऑफ लॉ ओवर देयर। नाउ प्लानिंग जो की जाती है वो ऐसे ही नहीं कि कोई भी आके प्लानिंग कर ले, प्लानिंग इज डन थ्रू साइंटिफिक रीजनिंग। जो प्लानिंग होती है वो वैज्ञानिक, ठीक है, एक प्लानिंग बहुत जबरदस्त होती है। प्लानिंग के बारे में क्या बोल रहे थे हम, प्लानिंग के बारे में, हाँ प्लानिंग के बारे में बोल रहे थे कि प्लानिंग इज जनरली साइंटिफिक इन नेचर। ठीक है, इट हैज अ डेफिनेट प्लानिंग, देखिए बहुत सी डेफिनेट होती है, इट हैज अ डेफिनेट कैरिकुलम, इट हैज अ डेफिनेट एग्जामिनेशन, इट हैज अ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स, इट हैज अ डेफिनेट टीचर, इट हैज अ डेफिनेट स्कूल, स्टूडेंट्स एंड देयर ग्रुप्स, हर चीज वहां पर डेफिनेट होती है। नाउ अगर हम आगे बढ़े थोड़ा, कि स्कूल एक एजेंसी ऑफ एजुकेशन बनी कैसे, व्हाट मेक्स अ स्कूल डिफर फ्रॉम अदर देन टाइम टेबल, ये सारी चीजों को छोड़ दिया जाए तो स्कूल को क्या चीज डिफर करती है? क्या चीज है वो जो अलग करती है? तो अगर हम अलग करने की बात करें तो एक फिक्स इवैल्यूएशन होता है हर एक फिक्स टाइम टेबल के बाद, चाहे वो टाइम टेबल स्कूल का हो, चाहे वो टाइम टेबल टीचर्स का हो, चाहे वो हर चीज़ के बाद एक इवैल्यूएशन होता है। वो इवैल्यूएशन सिर्फ टीचर का नहीं होता, बच्चों का नहीं होता, टीचर का भी होता है एक इवैल्यूएशन। और ये सिर्फ सारे मैकेनिज्म में डालने के लिए ट्रेनिंग होती है, ये सारे मैकेनिज्म में हैबिचुअल होने के लिए एक ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग दी जाती है आप लोगों को बीएड में, कहाँ दी जाती है? बीएड में, जैसे अभी आप लोगों को मिल रही है। एक मिनट, so this is how things goes on. Now अब आते हैं थोड़ा सा जेंडर के ऊपर, कि आपने सुना होगा कि स्कूल में जो है there are two types of school, one is co-education and second is strictly gender-wise school, gender restricted school, जिसको हम कहते हैं boys school या गर्ल्स स्कूल या ये। तो ये जेंडर रिस्ट्रिक्टेड स्कूल क्या होता है, और ये तो आपको पता ही है क्यों जरूरत पड़ा, व्हाट हैज मेड टू मेक जेंडर रिस्ट्रिक्टेड स्कूल। व्हाट मेड माई, ये इसका आंसर मैं आप लोग से चाहूंगा कि क्या, किस चीज ने ये चीज जो है मजबूर किया कि जेंडर रिस्ट्रिक्टेड स्कूलिंग हो? व्हाट हैज मेड, हाँ व्हाट हैड मेड जेंडर रिस्ट्रिक्टेड स्कूल पॉसिबल? क्यों गर्ल्स स्कूल या बॉयज स्कूल या ये स्कूल या वो स्कूल चीजें आती हैं, ऐसा क्यों होता? What had made it? अगर हम बात करें जेंडर, हाँ बोलो, कंजर्वेटिव नेचर, हाँ कंजर्वेटिव नेचर, वेरी गुड। समाज में लड़के और लड़की का अलग अलग जो रोल होता है उसकी वजह से, क्योंकि स्कूल भी तो समाज ये कौन बोला सर, हम नहीं, नाम बोलो सर, सदफ नसीम। हाँ सदफ नसीम, तुम जिंदा हो सदा, तुमसे तो बातें नहीं हो पा रही है। yes.
जेंडर रोल सबका अलग अलग होता है, इस वजह से स्कूल बनाए गए, आज भी चल रहे हैं, है ना, आज भी चल रहे हैं, नो डाउट आज भी चल रहे हैं। और क्या रीजन हो सकता है? देखिए एक बहुत बड़ा रीजन जो है, अभी हमको पता नहीं किसने बोला कि आई थिंक अशफिया, अशफिया ने बोला कि कंजर्वेटिव नेचर आया कहाँ से। अब फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा मेरे अपने उस, सोसाइटी हाँ मैं अपने याद दिलाऊंगा मेरे अपने उस वीडियो के बारे में जो मैंने पहला वीडियो डाला था जेंडर पे। की जेंडर पे मैंने जो पहला वीडियो डाला था यूट्यूब पे, उसको देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि कहाँ से ये चीज कैसे सामने है, यानी जेंडर प्रेजिडिस या फिर भेदभाव ये कैसे सामने है, साइकोलॉजी वाला जो लेवल मैंने बताया था, ठीक है, साइकोलॉजी वाला लेवल जो मैंने बताया था वो आपको याद है, आप लोग ने देखा था वो वीडियो साइकोलॉजी वाला। तो वो चीज को जो है आप लोग दोबारा एक बार विजिट कीजिएगा, जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे यहाँ पर, जो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप जेंडर रोल पे जो पहला वीडियो मैंने डाला है आज से 1 महीना पहले तकरीबन, उस वीडियो को एक बार दोबारा रिविजिट कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर जेंडर क्रिएट कैसे होता है। मैंने बार बार किया, जेंडर इज क्रिएटेड एंड नॉट बोर्न। ठीक है, बताइए आप भी लोग घूम रहे हैं, अब खत्म करने का टाइम आ रहा है। तो इसका पहला रीजन है कंजर्वेटिव नेचर, दूसरा रीजन है सदफ नसीम ने बताया जेंडर रोल, तीसरा रीजन है रिलीजन। रिलीजन भी एक बहुत बड़ा रीजन है जेंडर इसके ऊपर, ठीक है, इस जेंडर स्ट्रिक्ट स्कूल्स के ऊपर रिलीजन भी एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है। और बाकी जो रीजन आपने बताया, इल प्रैक्टिसेस वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आज हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम स्कूल का डेफिनेशन जानेंगे, और स्कूल का डेफिनेशन के साथ हम लोग ये भी जानेंगे और आप लोग प्लीज साइकोलॉजी वाली बात जो मैंने बोली है वो करके आइएगा, और नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग ये स्कूल का डेफिनेशन जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि क्या जेंडर रोल स्कूल में बच्चों को दिया जाता है, या जेंडर रोल कहते किसे हैं, इसको हम लोग आधा इस पे इंफेसिस करेंगे अगली क्लास में। मैं बता दूंगा कब आए अगली क्लास लेने वाला, ठीक है, और फिर हम लोग जो है उस पे जो है बात करेंगे। ओके एवरीवन, ओके सर, ओके देन, हैव टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज एवरीवन।